अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है इमरान, क्योंकि बचपन से हम यही देखते आए हैं कि जो कैरेक्टर्स हॉलीवुड ने हमें दिए हैं सुपरमैन स्पाइडरमैन, और हर बच्चा उन कैरेक्टर्स को देखकर वही बनना चाहता है। तो अर्तुगरुल गाजी के आने से जो एक डिफरेंट चीज हुई वो ये हुई कि सबसे पहले दुनिया के सामने इस्लामिक हीरोज सामने आए और लोगों ने उन्हें पसंद किया और बच्चों ने उन्हें एक्सेप्ट किया और उनकी जैसा बनने की कोशिश की। और जो इसके अंदर एक और बहुत अच्छा एलिमेंट था कि इस्लामी वैल्यूज जो थी वो पहली दफा शायद लोगों के सामने उस तरीके से आई और बच्चों ने इंस्पिरेशन बना लिया उस कैरेक्टर को। सुल्तान महमद की एक मशहूर कहावत है कि एक हुकूमत का जो मेन मकसद है वो है जस्टिस। अगर कोई हुक्मरान अपनी आवाम के साथ जस्टिस नहीं करता तो उसकी हुकूमत बेकार है, किसी काम की नहीं है। और अर्तुगरुल गाजी देखने के बाद बच्चे ये सीख सकते हैं कि आप माशरे में अदल कैसे ला सकते हैं, इंसाफ पसंद कैसे बन सकते हैं, अच्छाई और बुराई, हक और बातिल में फर्क कैसे कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बहुत ही अहम चीजें थी जो इस सीरियल ने बच्चों और बड़ों सबको सिखाई। और जब मैं देखता हूँ कि बच्चे, छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे के हाथ में एक लकड़ी की तलवार है और वो अली यार की तरह वो कहता है कि मैंने ये तलवार इंसाफ के लिए अपने हाथ में उठाई, क्योंकि अली यार की तलवार हमेशा जो है वो इंसाफ के लिए उठी है। और मैं बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता हूँ कि हमने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो इस्लाम पर मबनी थे बच्चों तक पहुंचा दिए, अपने यंगस्टर तक पहुंचा दिए, जो उनके लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। क्योंकि उससे पहले जो हॉलीवुड ने उनको कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए थे, जैसे स्पाइडरमैन बनना चाहते थे बच्चे, सुपरमैन बनना चाहते थे, इस तरह के बेतहाशा कैरेक्टर्स हैं, मगर अब लोग अर्तुगरुल गाजी बनना चाहते हैं, बच्चे अर्तुगरुल गाजी बनना चाहते हैं, उनके लिए वो एक इतना बड़ा हीरो बन चुका है कि वो उन जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं। तो बस जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की कोशिश थी, जो बहैसियत एक्टर्स की कोशिश थी, आई थिंक उस कोशिश में हम बहुत अच्छी तरह कामयाब हो गए। क्योंकि ना सिर्फ टर्की में बल्कि पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे ममालिक में जिस कदर पजीराई मिली है इस ड्रामे को और जिस तरह से लोगों ने इस कैरेक्टर को अपने अंदर बसा लिया है, मैं कभी भी इस तरह से सोच भी नहीं